हाँ जी, हेलो स्टूडेंट्स, की हाल है जी थोड़ा? ठीक है जी, मैं आस रखता हूँ बड़े अच्छे होगे, सीख रहे होगे, मौजा कर रहे होगे। हूँ तो स्कूल भी खुल गए तो डिकोल, ठीक है जी। हूँ तो डबल कम होगा, नाले इंटरनेट ते आऊगा कम, नाले स्कूलों होगा, ठीक है जी। सो चलिए जी, अपन शीट नंबर सेकंड पहली करती सी, तीजी करती सी, क्योंकि हूँ वाले सिलेबस तीजी है, पीछे रह गई सी। सो देखिए जी, अपन थोड़े को की करना है। सो पहला क्वेश्चन, अमीबा विच भोजन का अंतर ग्रहण किस द्वारा होंदा है? सो याद रखना, चाहे इहदी शेप चेंज होवे, चाहे तां भोजन का अंतर ग्रहण आ जाए, चाहे इहदी आपां कह दईए वी शेप चेंज हो ही जांदी है, शेप चेंज, ठीक है, CHANGE। सो शेप चेंज दोनों का कारण आभासी पैर ही होंदा हैगा तुहाडे कोल, ठीक है जी। सो आ वाला क्वेश्चन है जेड़ा, केड़ा जंतु अपना मेदा भोजन प्राप्त करने लिए बाहर कट लेंदा? ये भी अमीबा ही रहूगा तुहाडे कोल, ठीक है जी। आही आभासी पैर करके हैगा इहदी पोजिशन, ठीक है। सो सारा कुछ इहदा आभासी पैर नहीं करना, इंग्लिश सूडोपोडिया होंदा हैगा, ठीक है जी। रस अंकुर कित्थे होंदे ने? छोटी आंदर च होंदे ने, डाइजेशन लिए हेल्प करते हैं। की करते हैं जी? थोड़ी डाइजेशन माने तुसी जिहड़ा हैगा ये तुहाडे पास किसी चीज़ नूं हजम करना है, उहदे लिए इंग्लिश विलीज कहिंदे ने तुहाडे पास वो, ठीक है। उभरे हुए जिहड़े होंदे ने अंदर, छोटी आंदर दे उभार होंदे ने ते तुहानूं हेल्प करते हैं। रेक्टम का काम की है, ठीक है जी। ते जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल, सो मल त्याग लई लास्ट वाली ऑप्शन जिहड़ी हैगी है, मतलब जदों तुहाडियां इंटेस्टाइन चो फूड बाहर आ जाता है तो मल त्याग लिए तैयार होंगे, तो वो रेक्टम का काम रहेगा तुहाडे कोल, ठीक है जी। लार ग्रंथी कित्थे होंगी हैगी है, ठीक है। लार मूँह च पैदा होंगी है तो मूँह खोड़े का आंसर होएगा तुहाडे कोल, ठीक है जी। सो ईजी है जी तुहाडे कोल जिहड़ा हैगा। रस अंकुर वाला भी पेपर च आ जाता क्वेश्चन, अमीबा वाला भी पेपर च आ जाता। सो ख्याल रखना जी तुहाडे कोल, प्रोटीन दियां उपजां अमाइनो एसिड्स होंदे ने, अमीनो एसिड्स होंदे ने, प्रोटीन दियां उपजां, सो ये भी इंपॉर्टेंट हैगा जी। स्टार्च दा पाचन कित्थे शुरू हो जाता है? स्टार मूँह विच ही पचनी शुरू हो जाती है, तो जिहड़ा सलाइवा है जिहड़ी लार है विच मिलनी शुरू हो जाती है। छोटी आंदर दी लगभग लंबाई, क्योंकि 6 तो 7 भी लिखी होंगी है ना, तो ये पक्का फिक्स नहीं लिखा होंगे, तो आप 7.5 लगभग कर दें। जे थोड़ी बुक जो 7 मीटर भी लिखा है तो कोई दिक्कत वाली गल नहीं, तुसी नेड़े तेड़े टिक कर सकते हो। मैदा की शेप जे शेप होंगी हैगी है, सो ये वेरी इंपॉर्टेंट हैगा तुहाडे को, ठीक है जी। सो मनुख दे सूई दंदा की गिनती किन्नी होंगी है? ठीक है, बुक च डायग्राम देखियो जी, 4 होंगी है सूए दंदा की गिनती, ठीक हो गया जी। सो ईजी है, कोई एड्डी लंबी चौड़ी गलबात है नहीं। कि सो इन्नी कि छोटी शीट हैगी है तुहाडे कोल कि आपां पूरा स्पीड नाल जिहड़ा हैगा इहदे उत्ते पहुँच रहे हैं। तितली किस विधि राही अपना भोजन ग्रहण करती है? सो तितली चूसना विधि नाल अपना भोजन ग्रहण करती है, ठीक है जी। उस तो बाद आ जाता है प्रोटीन का पाचन कित्थे शुरू होंदा है, मतलब प्रोटीन का पाचन शुरू कित्थे होंदा है, मैदे च शुरू होंदा है, एंड कित्थे होंदा हैगा? स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब जिहड़ा एंड होंदा है, खत्म कित्थे होंदा है? खत्म छोटी आंदर च होंदा है, छोटी आंदर। सो जे प्रोटीन का पाचन शुरू करिए मैदे तो शुरू होंदा है, ठीक है जी, छोटी आंदर विच खत्म होंदा हैगा। सो आ पक्का पेपर च आ जाता जी, पित्त रस कित्थे बनते हैं जिगर च? लीवर दे विच, ठीक है जी, पित्त रस बनते हैं। मनुख दे दंदा दा पहला सैट लगभग किन्ने साल की उम्र विच निकल आंदा? लगभग है जी, क्योंकि किसी नूं 3 साल नूं निकल आंदे, किसी नूं 4 साल नूं निकलते, किसी दे 5 दे भी नहीं निकलते हैगे, तो लगभग है, तो इस करके 3 तो 5 साल होंदा। सो 5 वाली ऑप्शन आपां टिक कर देंगे, तो जे बंदा कोई कंट्राडिक्ट करे भी नहीं जी 5 साल नहीं होंदा हैगा तो ठीक है, रेंज होंगी, पर उन्हें भी तो क्वेश्चन च यही क्या ना, जिहड़ा लगभग, लगभग का मतलब है तो यदा कोई पक्का आंसर नहीं, हो सकता है थोड़े दंद 2.5 साल के भी निकले आन, ठीक है, 2 साल के बच्चे के भी दंद निकल सकते हैं, कोई एड्डी रोड़े वाली गल नहीं। मैं 3 तो 5 लिखे ज़्यादातर केस है, पर तुम कहो 2 तो निकल आता तो मनना पैना है, ठीक है जी। सो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जोड़े होंगे ने ना, वो ऑप्शन के हिसाब न चलते होंगे, आप बाहरों तो कोई चीज़ बाड़ नहीं सकते होंगे, सो इस करके जिहड़ी बैटर ऑप्शन लगे, उम्र में निकल जाता है, निकल आता का मतलब जरा ओदा नहीं लैना, निकल जाता है मतलब टुट जाता है, मतलब सिंपल जी गल है, ये उग जाते होगा, मतलब निकलना का मतलब हैगा ये दंद आना, मैं इदा लै रहा वा, ठीक है, जे टुट जाना नहीं मैं कह रहा थोड़े को बाद कौन टुट जाए, टुटता 8 साल तो शुरू हो जाते टुटने, सो निकल आते मतलब दंद आने, ठीक है। सो मैं इस क्वेश्चन को इस तरह जा रहा, वो उदा भी होंगे ना, तेरे दंद निकाल दूंगा, भी दंद कढ़ दूँ मैं तेरे, वह मतलब हूँ दंद तोड़ दूँ,
ਸੋ ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਹਿਚਕੀ, ਹਿਚਕੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਿਚਕੀ ਭੋਜਨ ਕਣਾਂ ਦੇ ਸਾਹ ਨਲੀ ਨਾਲ ਮੈਦੇ 'ਚ ਜਾਣਨਾ, ਭੋਜਨ ਟੁੱਟਣਾ, ਛੋਟੀ ਅੰਦਰ 'ਚ ਜਾਣਨਾ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਸੂਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭੋਜਨ, ਦੇਖੋ ਆਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਆਹ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਭੋਜਨ ਕਣ ਮੈਦੇ 'ਚ ਜਾਣ, ਛੋਟੀ ਅੰਦਰ ਜਾਣ, ਟੁੱਟਣ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਆਹ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਹ ਨਲੀ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਕੁਛ ਲੋਕ ਹੱਥੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਆਪਣੀ, ਉੱਥੋਂ ਜਾਂ ਹੱਥੂ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹਿਚਕੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਚਰ ਕਲਾਸ 'ਚ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਿਜਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਇਆਫਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਛਾਤੀ ਦੀ ਝਿੱਲੀ, ਜਿਹੜੀ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਝਿੱਲੀ ਲੱਗੀ, ਡਾਇਆਫਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਏ ਦਾ ਆਨਸਰ ਤਾਂ ਆ ਹੋਊਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਡਾਇਆਫਰਾਮ ਦੀ ਇਰੀਟੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਡਾਇਆਫਰਾਮ ਦੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਿਚਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਾਸੀ ਪੈਰ, ਛੋਟੀ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਲਾਰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਖੋੜ 'ਚ, ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਸਟਾਰਚ ਦਾ ਪਾਚਨ, ਮੂੰਹ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਦੇ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਵਾਲਾ ਕੁਸ਼ਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਿੱਤ ਰਸ ਕਿੱਥੇ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਗਰ 'ਚ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜੀ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਨਾ ਕਰ ਲਏ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸ਼ੀਟ ਨੰਬਰ 1 ਕਰ ਦਿੱਤੀ, 2 ਕਰ ਦਿੱਤੀ, 3 ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 5 ਕਰੂੰਗਾ ਸ਼ੀਟ, ਕਿਉਂਕਿ 5 ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। 4 ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਆਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਹਲੇ ਤੱਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ।